खानपुर थाना क्षेत्र के खानपुर उत्तरी पंचायत के वार्ड 6 स्थित व्यवसायी मोहम्मद रईस आलम के घर 2 सितंबर को दिन दहाड़े हुए डकैती की घटना को पड़ोसी के भांजे ने ही अंजाम दिलाया था। पुलिस ने मामले में पड़ोसी के भांजे समेत 3 बदमाशों को गिरफ्तार करने के साथ डकैती के मामले का खुलासा करने का दावा किया है। खानपुर में घटनास्थल पर प्रेस वार्ता में SP विनय तिवारी ने बताया कि घटना को 5 दिन पूर्व बदमाशों ने अंजाम दिया था। जांच के बाद इस मामले में विभूतिपुर थाना क्षेत्र के मुस्तफापुर के मोहम्मद एजाज उर्फ जुगनू, रोसरा थाना के रहुआ निवासी मोहम्मद अकबर उर्फ जुगनू एवं दलसिंहसराय के टरसपुर के इस्तेसार अहमद को गिरफ्तार किया गया है। SP ने बताया कि घटना में प्रयुक्त कार, कांड में प्रयुक्त 3 मोबाइल एवं लूटे गए 36,000 रुपए भी बरामद किए गए हैं। SP ने बताया कि 2 सितंबर को दिन के लगभग 1:15 बजे कार सवार 3 अपराधियों ने पिस्टल का भय दिखाते हुए व्यवसायी के घर से लगभग 3.5 लाख रुपए लूट लिया था। घटना के समय व्यवसायी का पुत्र ने मौका पाते ही घर से भाग गया था। घटना के खुलासा के लिए सदर DSP संजय कुमार पांडे के नेतृत्व में SIT का गठन किया गया था, जिसके बाद खानपुर बाजार एवं अपराधियों के भागने की दिशा में CCTV फुटेज को खंगाला गया, जिसके बाद कार का रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर कांड की जांच करते हुए गिरफ्तारी की गई। SP ने बताया कि CCTV फुटेज के आधार पर घटना का मुख्य मास्टरमाइंड मोहम्मद एजाज उर्फ जुगनू है, जिसका ननिहाल व्यवसायी के घर के पास ही है। जुगनू ने 6 अपराधियों की मदद से घटना को अंजाम दिया। व्यवसायी के घर की पूरी जानकारी उसी ने बदमाशों को दी, जिसके बाद से उसने मोहम्मद नासिर उर्फ नसरा और मोहम्मद अमजद उर्फ बंटा के साथ मिलकर लूट की योजना बनाई। SP ने बताया कि मोहम्मद एजाज उर्फ जुगनू ने मोहम्मद नसीर उर्फ नसरा एवं मोहम्मद अमजद उर्फ बंटा के साथ योजना बनाने के बाद 30 अगस्त को गाड़ी मालिक मोहम्मद इंतजार अहमद और चालक मोहम्मद अकबर उर्फ जुगनू के साथ मिलकर खानपुर बाजार पहुंचा। इसके बाद घटनास्थल की रेकी करना की फिर 2 सितंबर को व्यवसायी के घर से निकलने के बाद घटना को अंजाम दिया। फिर सभी दलसिंहसराय क्षेत्र के बुलाकीपुर स्थित गाछी में बैठकर रुपया का बंटवारा किया। SP ने बताया कि SIT में DIU प्रभारी इंस्पेक्टर मुकेश कुमार, नगर थाना अध्यक्ष विक्रम आचार्य, दरोगा सनी कुमार मौसम, राहुल कुमार, राजन कुमार, सिपाही अखिलेश कुमार व मिथिलेश कुमार शामिल थे। की पूरी टीम लगातार इस पर काम की और 6 दिन आज घटना को भेदन करने के लिए आपके पास, आपके बीच आपके जिला पुलिस कप्तान आए हैं और अपराधियों के साथ और लूटी हुई सामग्री को लेकर आए। तो निश्चित तौर पर यह हमारे लिए गौरव का क्षण है, हमारे लिए तारीफ है पुलिस प्रशासन के लिए। हम लोग बैठ जाए और खानपुर की जनता से मैं निवेदन करता हूं कि अपने समस्तीपुर जिला के तेज तर्रार युवा कर्मठ योद्धा पुलिस अधीक्षक श्री विनय तिवारी जी का जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। सितंबर को दोपहर में 1:15 बजे खानपुर थाना क्षेत्र में खानपुर मार्केट में खानपुर बाजार में मोहम्मद रईस आलम जी के घर में करीब 1:15 के बीच में 3 अपराधी घर में घुसे थे और उनके द्वारा लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया। काफ़ी संवेदनशील घटना थी, इसमें SIT बनाई गई थी, उन लोगों ने भी घटना का वर्णन किया था और SHO खानपुर और DIU प्रभारी इंस्पेक्टर मुकेश के नेतृत्व में सब इंस्पेक्टर राजन, सब इंस्पेक्टर राहुल और सब इंस्पेक्टर सनी एक SIT के तौर पर इसमें कार्य कर रहे थे। पहले दिन ही हम जब हम लोग घटनास्थल पर आए तो घटना हम लोगों को संदिग्ध और संदेहास्पद टाइप की लगी कि दोपहर के समय और जब उनका घर हम लोगों ने देखा और घटनास्थल और घर में जो अपराध करने का तरीका जब देखा तो लगा कि कहीं ना कहीं अपराधियों के घर के अंदर की गतिविधि की सारी जानकारी थी। उनका जो भागने का रास्ता था वो भी स्पष्ट हो रहा था कि जो भागने का रास्ता है वो पहले से अपराधियों को पता, कोई भी अज्ञात अपराधी जो इस क्षेत्र का से परिचित ना हो या घर के फॉरवर्ड और बैकवर्ड जो उनका रूप था उसको देखने से स्पष्ट हुआ कि ये लोग यहाँ से बहुत घनी भांति जो भौगोलिक स्थिति से परिचित थे, तो कहीं ना कहीं लोकल इसमें हम लोगों को संदेह लग रहा था। फिर हम लोगों ने जब घटनास्थल के बारे में इनके परिजनों से भी थोड़ा पूछताछ की तो ये स्पष्ट हुआ कि जो अपराधी आए थे उनका गेट खुला हुआ था, मोहम्मद रईस आलम जी जो हैं व्यापारी हैं तो अपनी दुकान पर गए हुए थे
और इनका जो घर का मेन गेट है, बाउंड्री जो घर की, उसमें कोई गेट नहीं था और घर के मेन गेट में खुला हुआ था, उसके अंदर दो महिलाएं थीं और उनके पुत्र। तो अपराधियों ने पहले, जो अपराधी अंदर घुसे थे, उन्होंने पहले इनके पुत्र को हाथापाई की उसके साथ, तो पुत्र उनके डर के मारे बाथरूम से घुसते हुए बाहर निकल गए और फिर जो उनकी पत्नी थी उनके साथ हथियार दिखा के, जो अलमारी में पैसा रखा हुआ था करीब 3 लाख रुपये के आसपास उसमें रखा हुआ था, उसको इन लोगों ने 3.5 लाख रुपये उसको इन लोगों ने निकलवाया इनकी पत्नी से। और फिर इन्हीं के घर की जो पीछे की बाउंड्री है उसको क्रॉस करके, और पीछे एक मंदिर भी है, उस मंदिर को क्रॉस करते हुए गाड़ी इन लोगों ने पार कर रखी थी चौराहे पर, घर से 50 मीटर की दूरी पर चौराहा है, उस चौराहे पर गाड़ी पार की, वहाँ से ये लोग भाग गए। जब पूछताछ इन लोगों की तो पहले इनके घर और आसपास के लोगों का उन लोगों को संदेह था, क्योंकि पूरी घर की स्थिति और अपराधी को यह तक मालूम था कि किस कमरे में, किस अलमारी में सीधा जाना है, इसमें उन लोगों को संदेह हुआ कि इनके बेटे से भी पूछताछ हुई, लेकिन बाद में स्पष्ट हुआ कि बहुत ही मासूम और भोला लड़का, उसकी कोई गलती इसमें नहीं थी। और उसके बाद फिर हम लोगों ने इस बात पर कार्य करना प्रारंभ किया कि कहीं ना कहीं आसपास का कोई इसमें व्यक्ति जरूर इन्वॉल्व है, जिनसे भली भांति परिचित, जिसको घर के अंदर का भी पता है कि किस कमरे में जाना है और किस अलमारी में कितना पैसा रखा हुआ है। उसके बाद टेक्निकल अनुसंधान चालू हुआ। आज इस घटना का पूरा उद्भेदन हो गया है, इसमें 3 अपराधी गिरफ्तार हो गए हैं। इस घटना में जो ब्लू अर्टिगा कार थी, वो कार बरामद हो गई है। जब यहाँ के लोकल लोगों से पूछताछ हुई तो लोकल लोगों ने बताया था कि घटना से करीब आधे घंटे पहले से ही एक अर्टिगा गाड़ी लगातार किराए से लेके इनके घर के पास जो मस्जिद है वहाँ पर मूवमेंट देखा जा रहा था। तो अर्टिगा गाड़ी घूम रही थी और वो अर्टिगा गाड़ी बरामद हो गई है। 3 मोबाइल फ़ोन थे वो बरामद हुए और लूट की राशि जो 36,000 रुपये थे वो बरामद। जब इन अपराधियों से पूरी पूछताछ हुई तो स्पष्ट हुआ कि इसमें पूरा साजिशकर्ता जो है वो मोहम्मद एजाज और जुगनू है, जो कि हम लोगों का शक और हम लोगों का जो अनुसंधान था वो सही डायरेक्शन में था। जब पता चला कि मोहम्मद एजाज और जुगनू का जो ननिहाल है वो उनके घर के बगल में ही बेचते और वो लड़का पहले से यहाँ रहता था और इनके घर में उसका पहले आना जाना भी था, वो अक्सर ननिहाल अपने आता जाता था और इनके घर से भी भली भांति परिचित, उसको ये जानकारी थी किस कमरे में और किस अलमारी कहाँ पर है, कितने लोग इसमें रहते हैं, इनका मार्केट आने जाने का समय क्या है, दोपहर में ये घर में नहीं मिलेंगे और सिर्फ एक लड़का होगा और दो महिलाएं या एक महिला घर में होगी, तो उसको ये जानकारी थी और पीछे से भागने के रूट की भी पूरी जानकारी उसको थी। तो ये लड़का मुस्तफ़ापुर विभूतिपुर का रहने वाला है, लेकिन इसका ननिहाल इनके घर के पास था। दूसरा अभियुक्त मोहम्मद अकबर है उर्फ जुगनू, जो कि रहुआ थाना रोसड़ा का रहने वाला है। तीसरा अभियुक्त है मोहम्मद इंतसार अहमद, जो कि तरसपुर दलसिंह सराय का रहने वाला है। इन तीन और इसके अलावा 3 और कुल 6 अभियुक्तों ने, अपराधियों ने इस घटना की योजना बनाई। दलसिंह सराय में इन लोगों की मीटिंग हुई, मीटिंग करके इस लोग ये लोग सभी अपराधी लोग ऐसे कार्य के जुगाड़ में थे, ऐसे अपराध के जुगाड़ में, जहाँ से इनको 4-5 लाख रुपये का लूट की राशि इनको मिल पाए। तब इन लोगों ने मोहम्मद एजाज से संपर्क किया और मोहम्मद एजाज ने इनको बताया कि यहाँ पर घटना करना ईजी रहेगा, घर में कोई बाउंड्री नहीं है, घर में कोई CCTV कैमरा भी नहीं है और भागने का रास्ता भी आसान है। और मोहम्मद एजाज को तो पूरी जानकारी थी, वो जानकारी इसके द्वारा दी गई और उसके बाद मोहम्मद एजाज और गाड़ी का ड्राइवर और जो अपराधी, 4 लोग, कुल 6 लोग इस घटना में इन्वॉल्व थे और 4 लोग घटना में आए। आने के बाद ये लोग करीब 12:15 से लेकर के 1 बजे तक ये लोग पूरे क्षेत्र में बार बार गाड़ी घुमाते हैं, समझते हैं घटना को। और जैसा हम लोग अभी तक पता चला है, मोहम्मद एजाज के द्वारा की गई ये पहली घटना ही है, तो उसमें पूरा रेकी की, रेकी के बाद ये लोग 1:15 बजे घर में प्रवेश करते हैं। प्रवेश करने के बाद जो लड़का था इनका, उसको मारपीट करते हैं, वो भाग जाता है। इसमें जो थोड़ा सा दुखद और ऐसा पहलू संध्यास्त पहलू वो यही रहा कि जिनका बेटा था वो भाग करके पड़ोसी के घर में चला भी गया था, फिर भी इसके द्वारा हल्ला नहीं किया गया। आसपास के लोगों को अगर समय से हल्ला कर दिया जाता तो शायद अपराधी उसी समय ही, पड़ोसी के लोग ही मूवमेंट हो जाता तो दबोच लिया जा सकता। वो अपना डर के मारे बगल के घर में छिप गया और उसी दौरान अपराधियों ने इनकी माँ के साथ, जो बेटा था उसको, उनकी माँ के साथ लूटपाट की और ऐसा रखा हुआ था अलमारी में वो लेकर के ये लोग घर के पीछे से मंदिर होते हुए अपनी अर्टिगा गाड़ी बैठ गए। किराहे पर जो दुकान वाले थे और भी लोगों से हम लोगों ने आगे पूछताछ की थी, उन लोगों ने इनसे बातों को स्पष्ट किया था पहले ही कि गाड़ी ब्लू रंग की अर्टिगा कार जो यहाँ लगी हुई थी उसका नंबर भी लोगों ने बताया था। फिर हम लोगों ने CCTV और टेक्निकल अनुसंधान और मैनुअल इनपुट जो इनके घर के आसपास का है उसको लगाया तो पूरी घटना स्पष्ट हुई। 3 अपराधी गिरफ्तार हो गए, 36,000 रुपये बरामद हो गए हैं, ब्लू अर्टिगा कार बरामद हो गए, 3 मोबाइल फ़ोन जो घटनास्थल पर लेके आए थे वो बरामद हो गए हैं। अब बाकी 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जा रही है। इस पूरी घटना में सब इंस्पेक्टर सनी कुमार मौसम, सब इंस्पेक्टर राहुल कुमार, सब इंस्पेक्टर राजन कुमार और DIU से अखिलेश कुमार
और मिथिलेश कुमार, इन पांच लोगों ने अभूतपूर्व कार्य किया है। घटना 2 तारीख की थी और 7 तारीख की, 5 दिन के अंदर इस पूरी घटना का उद्भेदन कर लिया गया है। तो सभी खानपुर क्षेत्र के और आसपास के लोग हैं, मैं इतना निवेदन करना चाहूँगा कि अपने घरों में बाउंड्री में जरूर, आपका गेट हो, उस घर की बाउंड्री में ही गेट नहीं है, जब देखा तो उन्होंने कई कमियाँ पाएंगी, और घर में कोई सीसीटीवी भी उपलब्ध नहीं है, तो थोड़ा सा अलर्ट रहना भी आवश्यक है, क्योंकि दिन के समय अपराधी की हिम्मत अगर होती है और हल्ला भी नहीं किया गया तो घटनास्थल पर इसको दबोच लिया जाता, अगर थोड़ा सा जागरूक लोग होते तो। अभी घटना का उद्भेदन हो गया, 3 अपराधी गिरफ्तार हैं, बाकी 3 को गिरफ्तार करने के लिए SIT आगे कार्य कर रही है।